नमस्कार सभी छात्राओं को। आज इस वीडियो के माध्यम से हम फिर मिल रहे हैं। आप सूरदास के पद के बारे में आपने स्वाध्याय में जो भी प्रश्न दिए गए हैं ये सब कुछ लिख लिया होगा, तैयार भी कर लिया होगा। और आज हम हिंदी में विषयम हमारा चैप्टर इकाई 8 गुलमर की खिड़की से एक रात। गुलमर की खिड़की से एक रात तो उसी का अध्ययन आज हम कर रहे हैं। तो इसका जो लेखक है मोहन राकेश, हमारे लेखक का नाम क्या है? मोहन राकेश। इसका जन्म सन 1925 ईस्वी सन, निधन सन 1972 ईस्वी सन। जन्म और अवसान निधन के बारे में हमने बताया है। उसका जन्म जालंधर पंजाब में। हमारा जो लेखक है मोहन राकेश, उसी का जन्म जालंधर पंजाब में हुआ है। पिता एक अच्छे वकील, एक वकील है। साहित्य में पिता को रुचि, इसीलिए उसके जो संतान है उसे भी बचपन से ही साहित्यिक वातावरण में वे पला है। उसे भी साहित्यिक रचनाओं में, साहित्य का सृजन करने में तीव्र रुचि। हमारा जो लेखक है उसके पिता भी एक ऐसे वातावरण में वे भी रहे हैं, साहित्य में साहित्य के प्रति रुचि रखते थे, लेखक में भी इस प्रकार की रुचि थी। उन्होंने हिंदी और संस्कृत के अंतर्गत अध्ययन किया है, बीए पास कर लिया है, मास्टर डिग्री भी पास की है। साथ साथ जालंधर के अंतर्गत पंजाब में वे एक हिंदी विभाग के एक अच्छे निदेशक के रूप में, अध्यक्ष के रूप में वे रहे। साथ ही कहानी नाटककार के रूप में और उपन्यासकार के रूप में हमारे सामने आते हैं। हमारा जो लेखक है उसने साहित्यिक रचनाओं के अंतर्गत अनेक नाटक, उपन्यास और कहानी लिखी हुई है और हिंदी साहित्य के अंतर्गत उसका नाम हम आदर्श के साथ लेते रहते थे, नाटककार के रूप में भी। तो यहाँ पर इंसान के खंडहर, नए बादल, एक और आदमी इत्यादि कहानी उसे लिखी है। साथ साथ अंधेरे में बंद कमरे, अंधेरे में बंद कमरे और न आने वाला कल, अंधेरे में बंद कमरे न आने वाला कल इत्यादि उपन्यास भी हमारे लेखक ने दिए हैं, हिंदी साहित्य को यहाँ पर प्रदान किया है। साथ साथ उसका सुप्रसिद्ध एक नाटक लहरों का राज हंस, आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन, लहरों का राजहंस इत्यादि उन्होंने नाटक भी लिखा है। तो साहित्यिक दृष्टि से देखें तो वे एक नाटककार के रूप में, एक कहानीकार के रूप में, एक उपन्यासकार के रूप में हमारे सामने आते हैं। तो अब यह हमारा गुलमर की खिड़की से एक रात
ए यात्रा वृतांत है, ये कोई काव्य नहीं है, यात्रा वृतांत। यहां पर लेखक उसमें किस प्रकार वे उसका जो अनुभव है, गुलमर्ग शब्द दिया गया है, गुलमर्ग, गुलमर्ग नाम के साथ आपको इस प्रकार जानने की इच्छा होती है कि गुलमर्ग क्या है। तो गुलमर्ग यहां पर शब्द दिया गया है कि कश्मीर का सुंदर रमणीय प्राकृतिक स्थान। गुलमर्ग क्या है? कश्मीर का एक सुंदर रमणीय प्राकृतिक स्थान, उसका वर्णन इस यात्रा वृतांत के अंतर्गत लेखक ने दिया है। लेखक वहां पर जाते हैं, वहां पर उसे कैसे कैसे अनुभव हुआ है, उसी का विस्तृत वर्णन इस यात्रा वृतांत गुलमर्ग की खिड़की से एक रात इसमें इस परिवेश से लिया गया है। और उसमें लेखक ने एक स्वानुभूत विवरण का वर्णन यहाँ पर हमारे लेखक ने किया है। तो खास तौर पर इसमें एक ऐसी बात का वर्णन है प्राकृतिक, कि प्रकृति का सौंदर्य कैसा है गुलमर्ग के अंतर्गत, प्राकृतिक सौंदर्य क्या है गुलमर्ग में। और लेखक वहां पर जाते हैं तो कैसा कैसा अनुभव होता है, उसी का वर्णन, गुलमर्ग का सारा वर्णन इसमें समाया हुआ है। गुलमर्ग की एक रात, अकल्पनीय सौंदर्य का वर्णन, एक रात उसका अकल्पनीय वर्णन इसमें दिया गया है अंत में। तो अब हम देखें कि इस यात्रा वृतांत में क्या है। यहां पर लेखक कुछ जगह ऐसी होती है कि एक बार देखते हैं तो चौंक उठते हैं, धीरे धीरे परिचित होकर उदासीन भी हो जाते हैं, लेकिन गुलमर्ग ऐसी जगह नहीं है। यहाँ पर पहली बार लेखक जब गुलमर्ग में प्रवेश करते हैं तो वहां पर कुछ असाधारण नहीं लगा। बस गुलमर्ग में क्या है तो के एक खुला सपाट मैदान, देवदार के घने वृक्ष, देवदार के घने झुरमुट, घंटों भर, एक घंटों में सारा गुलमर्ग देख आया पहली बार गया तो। वहां पर सपाट मैदान और देवदार के झुरमुट, झुरमुट शब्द दिया गया है, झुरमुट। तो यहां पर झुरमुट नो अर्थ थाय छे पेड़ पौधे का समूह, झुरमुट पेड़ पौधे का समूह। पहली बार गया तो एक घंटे में वे देख लिया, लेकिन दूसरी बार गया और लेखक वहां पर एक मास तक वहां रहा, लेकिन पूरा गुलमर्ग वह देख ना सका। उसका जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसमें वे इस प्रकार भिन्न अंग से उस सपाट मैदान के साथ उसे आत्मीयता हो गई है, अपने आप इस मैदान का एक हिस्सा मानने लगा है जब दूसरी बार गया तब। और वहां पर कांपती तितलियां, उठते बादल, बर्फ से चमकती हुई पहाड़ियां और पूरा हिस्सा जिसमें स्वयं समाया हुआ लगता है, वहां का सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों संध्याओं का वर्णन भी अकल्पनीय है। पीली धूप है, पीली धूप, घना कोहरा, इस प्रकार सब कुछ वहां पर व्यक्ति गुलमर्ग से चलता है तो ऐसा एहसास होता है कि अपने से ही बिछुड़ने का, जब वहां से चलता है तो अपने से अलग होने का भाव लेखक को लगता है। प्राकृतिक सौंदर्य अकल्पनीय है। वहां पर उठती हुई तितलियां, कोहरा, पीली धूप, बर्फ से सजी धजी पहाड़ियां इत्यादि, वहां पर कांपती हुई तितलियां इत्यादि वहां पर दिखाई देता है। और जब वहां से
वे चलता है तो वे अपने आप एक बिछुड़ने सा वे अलग हो ऐसा भाव वह महसूस करता है। वही गुलमर्ग के साथ लेखक को एक प्रकार की आत्मीयता, यहाँ पर एक प्रकार की आत्मीयता, आत्मीयता मतलब अपनापन, एक प्रकार की आत्मीयता हो जाती है। अपनापन जैसा भाव कि ऐसा सौंदर्य मैंने कभी नहीं देखा। इस प्रकार हमारा लेखक मोहन राकेश यहाँ पर कह रहे हैं कि पहली बार तो कुछ नया ना लगा, लेकिन वहां पर एक मास तक जब मैं ठहरा तब वही गुलमर्ग मैं पूरा नहीं देख पाया। वहां का जो प्राकृतिक सौंदर्य है अकल्पनीय है। वहां पर एक गुलमर्ग के सपने फूल बनकर आते हैं, हरियाली के आर पार, लाल लाल छतों के नीचे, ऊपर आकाश में आंखें मुग्ध होकर टिकती है। फूलों में नए नए रंग उभर आते हैं, लाल लाल छतों के ऊपर आकाश में एक हर क्षण हर नए का अनुभव होता था। नए रोमांच की सृष्टि वहां पर उत्पन्न होती है। और बादलों के नीचे पोर्टिको में, बादलों के पोर्टिको मतलब यहाँ पर बरामदा, पोर्टिको शब्द यहाँ पर लिया गया है, पोर्टिको बरामदा। वहां पर सहलानिया क्या करता है, तो सहलानिया इस प्राकृतिक सौंदर्य को लूटने के लिए वे अपने बाहें फैलाकर बैठते थे। नीचे हरी हरी घास, ऊपर ऊंचे ऊंचे पेड़, आकाश रंग बिरंगी दिखाई देता था। प्रत्येक छोर के अंतर्गत अलग अलग फूल खिले हुए दिखाई देते थे। और वहां पर ये लोग अपनी बाहें फैलाकर इस प्रकार प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लूट रहे हैं। लेकिन ऊपर से ए बर्फीला बूंद रंग बिरंगी टपकते थे तो लोग सिहर जाते थे और अपने अपने स्थान पर वे सुरक्षित जगह पर जाने लगते थे। वहां पर सुबह होने के साथ ही भेड़ बकरियों का रेवड़, रेवड़ शब्द भी यहां पर दिया गया है, भेड़ बकरियों का रेवड़ समूह, रेवड़ मतलब समूह, भेड़ बकरियों का समूह इस पगडंडी पर, छोटी छोटी पगडंडी, पगडंडी शब्द यहां पर इस प्रकार पगडंडी शब्द दिया गया, लोगों के चलने से अपने आप बना हुआ रास्ता, पगडंडी लोगों के चलने से अपने आप बना हुआ एक रास्ता, उसे पगडंडी गुजराती में आपने कहिए छे केड़ी, मात्र नानो रस्तो ज होय छे। तो वैसे ही यहां पर ए भेड़ बकरियों का रेवड़ इस पगडंडी पर टिके हुए है। सहलानिया मैदान के अंतर्गत बाहें फैलाकर बैठे हुए है। साथ साथ यहां पर ऐसे सैलानिया का अर्थ क्या होता है यहाँ पर दिया गया है, सैलानी घूमने के लिए आए हुए लोग, सैलानी मतलब घूमने के लिए आए हुए लोग। कुछ सैलानिया घोड़े की पंक्ति दौड़ाए जा रहा है, आनंद में मस्त है, सारा वातावरण सुरमयी आभा ओढ़ी हो ऐसा दिखाई दे रहा है। शाम के वक्त सुबह में इस प्रकार चहल पहल होती है, भेड़ बकरियों का रेवड़ अपने रास्ते पर टिका हुआ दिखाई देते हैं। छोटी छोटी पगडंडी नरम नरम बाहें के समान है, बाहें मतलब अपने हाथ, यहाँ पर छोटी छोटी पगडंडी की उपमा बाहें के साथ दी गई, ये बाहें की तरह दिखाई दे रही है। चारों तरफ बस सभी लोग इस प्रकार मुखर होते हैं, मुखर मतलब वाचाल, यहाँ पर वाचाल शब्द दिया गया है, मुखर बातूनी, दूसरा पर्याय शब्द क्या है, तीसरा बातूनी, वाचाल मुखर एनो अर्थ थाई छे, अने एना पछीनो बीजो अर्थ पण आपणे लई शकीए छे बातूनी। तो दिन में चहल पहल रहती है, लोग अपने अपने स्थान पर इस प्रकार बर्फीला बूंद गिरने से
वे सुरक्षित जगह पर चले जाते थे। यहाँ पर हर आदमी इस प्रकार ऐसे प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने के लिए आते रहते थे। लेकिन शाम होने के बाद सारा वातावरण में स्तब्धता छा जाती है। स्तब्धता छा जाना मुहावरा है, शांति फैलना, खामोशी छा जाती है, खामोशी छा जाना, शांति फैलना, कि वहां पर ये वातावरण कोहरा छा जाता है, धुंध ही धुंध दिखाई दे रहा है, कोहरा छाया हुआ हो ऐसा अस्पष्ट वातावरण दिखाई दे रहा है और सब खामोश हो जाते हैं। दिन में चहल पहल रहती है और रात के वक्त ये वातावरण स्थिर होता है। उसी का वर्णन भी हमारे लेखक इस यात्रा वृतांत के अंतर्गत अच्छी तरह से किया है। और अंत में एक रात्रि की अकल्पनीय सौंदर्य को वर्णन हमारे लेखक होटल की खिड़की में खड़ा खड़ा देख रहा था। एक अद्भुत अकल्पनीय एक बरसाती घटा आ रही थी, जोर की हवा वहां से चल रही थी, घटा तेजी से हवा के साथ वही बरसाती घटा भी तेजी से आ रही थी। लेखक उसे बुला रहे, आ आ आ, मैं तुझे अपने में समा लूं, अपनी बाहें फैलाकर उस बरसाती घटा का वे स्वागत करने के लिए वहां पर खड़ा था। एक होटल की खिड़की के पास तो वही बरसाती घटा का एक अकल्पनीय सौंदर्य का वर्णन, और लेखक यहां पर इस प्रकार की कल्पना भी कर रहे हैं कि मैं तुझसे छोटा नहीं हूं, और ऐसे सुख ऐसे बरसाती घटा का अपने ऊपर छा लेना, वैसा सुख लेखक को एक दो बार ही मिले होंगे, ऐसा सुख उसे कदाचित नहीं मिले होंगे, इसीलिए उस घटा को वे इस खिड़की से बुला रहा है, इंतजार कर रहा है। और वही घटा, वही हवा, वही झोम उस पर वे लेना चाहते हैं, उसे बुला रहे थे। जोरों की हवा बढ़ रही है, आकाश के अंतर्गत बिजली की जो चिराए है वे कोंधती थी, धरती और आकाश कोंध रहा है, जिनके कारण सृष्टि पर की प्रत्येक चीज नंगे दिखाई देती है। नंगे मतलब साथ दिखाना। बरसाती माहौल का वर्णन यहाँ पर लेखक ने दिए है कि जोरों से ये घटा इस प्रकार धीरे धीरे आ रही है, हवा भी तेजी से, लेकिन यहाँ पर लेखक कल्पना कर रहे हैं, उसे अपने में समाना चाहते थे, लेकिन अंत में वही जो झोंम था हवा का वो ठिठक जाता है। ठिठकना, यहाँ पर ठिठकना शब्द दिया होगा अथवा नहीं दिया गया है तो ठिठकना मतलब रुक जाना, रुक गया। और कटे पक्षी की तरह हमारे जो लेखक है वे जिस प्रकार कटे पक्षी दम तोड़ रहा है, दम तोड़ना मुहावरा है, यहाँ पर मर जाना अर्थात आखिरी श्वास लेना, उसकी जो कल्पना थी वो कल्पना पूरी ना हो पाई। कल्पना लोक के अंतर्गत हमारे लेखक मोहन राकेश विचरण करता था, लेकिन वही जो बरसाती घटा है वे अपने तक न पहुंच पाए, इसीलिए लेखक की जो वे आखिरी दम तोड़ रहा है, अपने वास्तविक जगत में कल्पना लोक में से वे वास्तविक जगत में वापिस आने लगे। और इस प्रकार यहाँ पर वे मुदत तक वहाँ पर रहने से काफी समय तक, मुदत तक यहाँ पर समय दिया गया है, मुदत काफी समय तक, मुदत मतलब काफी समय वहाँ पर रहने से एक प्रकार का आकर्षण लेखक को हुआ। वे वहाँ पर से वापिस घर पर लौटना नहीं चाहते,
वहां पर रहने के लिए वे तैयार हो जाते थे। अकल्पनीय सौंदर्य मुदत तक रहने से वे जहां गोल पर वही एक सपाट मैदान है, लेकिन गोल नहीं खेले जाते। इस प्रकार ये यात्रा वृतांत जिसमें प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन और एक अकल्पनीय रात्रि का वर्णन यहाँ पर लेखक ने दिया गया। तो यहाँ पर अब हम ये यात्रा वृतांत में जो सारांश दिया है वो हम पूरा करते हैं। अब हम उसके अंतर्गत आए हुए प्रश्नों की चर्चा करें तो देखें कि गुलमर्ग के भौगोलिक वातावरण कैसा था। गुलमर्ग का भौगोलिक वातावरण कैसा है, एक एक वाक्य में उत्तर। तो वही गुलमर्ग ऊंचाई पर है, पहाड़ियों से घिरा हुआ एक ठंडा रमणीय स्थल है, ऐसा जवाब इसमें है। दूसरा, लेखक ने गुलमर्ग के साथ व्यक्ति की आत्मीयता बढ़ने का क्या कारण बताया है, क्योंकि गुलमर्ग में क्या है, एक अपार आकर्षण, इसीलिए व्यक्ति की आत्मीयता बढ़ जाती है। तीसरा प्रश्न, खिड़की के पास खड़ा लेखक बरसाती घटा को देखकर किस बात की प्रतीक्षा करने लगा कि वही बरसाती घटा अपने पर आए और मैं उससे लपेट लूं। इस प्रकार की वे आशा व्यक्त करते थे, प्रतीक्षा कर रहा है। तूफान के एकाएक रुक जाने पर लेखक को कैसा अनुभव हुआ, तूफान एकाएक रुक जाने से लेखक क्या करने लगा, तो के वे वास्तविक जगत में, कल्पना लोक में से वास्तविक जगत में आ जाते थे और आखिरी दम तोड़ने लगा। इस प्रकार यहाँ पर और प्रश्न भी है, लेखक को किस बात का अफसोस है, तो के लेखक इस बात का अफसोस है कि हम कुदरत के साथ कभी बराबरी नहीं कर सकते, वही घटा उस तक न पहुंच पाई, इसका उसे अफसोस है। लेखक ने गुलमर्ग की पगडंडियों के लिए क्या उपमा दी, तो पगडंडियों के लिए कौन सी उपमा दी है, तो के न पतली पतली नरम बाहें, पतली पतली नरम बाहें ऐसी उपमा दी है। दो दो वाक्य के प्रश्न, गुलमर्ग से विदा होते समय सैलानियों को कैसा एहसास होता है, एक गहरी आत्मीयता हो जाती है और अपने आप इसमें बिछुड़ने का भाव उसमें सैलानियों को होता है। दूसरा प्रश्न है, लेखक ने गुलमर्ग के दिन को वाचाल क्यों कहा है, क्योंकि दिन के समय भेड़ बकरियों का रेवड़ छोटी छोटी पगडंडी पर टिके हुए हैं, मैदान में सैलानियां घोड़े की पंक्तियां दौड़ाती हुई नजर आती है, सुबह का वातावरण रंग बिरंगी फूलों से खिला हुआ है, आकाश में लाल लाल आकाश में, लाल लाल आकाश का अर्थ यही है कि वहां प्रत्येक का घर लाल छत वाले है। गुलमर्ग में क्या है, लाल छत वाले है, इसीलिए लाल लाल आकाश ऐसे शब्द का प्रयोग हमारे लेखक ने दिए गए। रंग बिरंगी फूल, वहां पर एक रोमांच की अनुभूति होती है, एक नए अनुभव, नए रोमांच, नई ताजगी का अनुभव होते हैं, सारे दिन में कोलाहल होता है, इस प्रकार की चहल पहल रहती है, इसीलिए उसे लेखक ने गुलमर्ग के दिन को वाचाल कहा है। सैलानी कब और क्यों सिहर जाते हैं, जब आकाश में से एक बर्फीली बूंद जब नीचे गिरते हैं ना, तब वे सिहर जाते हैं और सुरक्षित जगह पर चले जाते हैं। लेखक की प्रतीक्षा असफल क्यों हुई, तो के तूफानी घटा थम गई, रुक गई और बरसाती हवा से गिर जाने की जो प्रतीक्षा वे कर रहा था, वे रुक जाने से वे असफल हुए। पांच छह वाक्यों में उत्तर, लेखक ऐसा क्यों कहता है कि गुलमर्ग की शोभा कभी पूरा देखा नहीं जा सकता, उसके प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन यहाँ पर लिखना, वहां पर
आकाश में छोटे छोटे द्वीप इधर उधर दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। रंग बिरंगी तितलियां हर फूल पर रंग बिरंगी फूल छोर पर फूल खिल रहे हैं। सुबह और शाम का वर्णन, सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों संध्याओं का वर्णन भी यहाँ पर किया गया है। तो इस प्रकार प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन इसमें कर देना। अब यहाँ पर थोड़े से इस प्रकार उचित उपसर्ग जोड़कर विरुद्धार्थी शब्द बनाइए। स्वाध्याय के अंतर्गत व्याकरण में इस प्रकार एक प्रश्न दिया गया है, उचित उपसर्ग जोड़कर तो शब्द दिया गया है साधारण, तो असाधारण अपने इन्हें उपसर्ग साधारण असाधारण उदार अनुदार रंग बेरंग स्मृति विस्मृति। इसके बाद यहां पर विशेषण प्रत्यय जोड़कर विशेषण शब्द बनाइए। शब्द है सुरमा सुरमई बरसात बरसाती तूफान तूफानी चमक चमकीला विस्फोट विस्फोटक। वही प्रत्यय जोड़कर हमने विशेषण बनाए। अब उचित प्रत्यय जोड़कर संज्ञा बनाइए। तो लाल लालिमा खामोश खामोशी कमजोर कमजोरी आकर्षक आकर्षण ये प्रत्यय जोड़कर हमें संज्ञा बनाई है। तो व्याकरण के प्रत्येक जो यहाँ पर मुद्दा दिया गया है उसे भी आप अच्छी तरह से देख लेना। अब यहाँ पर यात्रा वर्णन है, इसीलिए आप ये यात्रा वर्णन के अंत में आपने किसी शहर की यात्रा की हो उसी का वर्णन आपको करना। आपको यात्रा वर्णन के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो अब हम यहाँ पर ये हमारा जो यात्रा वृतांत है वो पूर्ण करते हैं। अस्तु।